हेलो दोस्तों, दिस इज सुंदर सिंह मेरा अगेन हाउ टू हिंदी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप अपने यूट्यूब के किसी भी वीडियो के लिए एनिमेटेड इमेज या फिर GIF इमेज बना सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप अपने यूट्यूब के वीडियोज़ के व्यूज़ बढ़ाना चाहते हैं तो आप उस एनिमेटेड इमेज से बढ़ा सकते हैं, और ये कैसे होता है ये सारा का सारा आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो फिर आप इस वीडियो को लास्ट तक का देखते रहिए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपने करना क्या है, जिस भी वीडियो के लिए आप एनिमेटेड या फिर GIF इमेज क्रिएट करना चाहते हैं आप उस वीडियो को सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए, हमारे हाउ टू हिंदी के बहुत सारे वीडियोस हैं, मैं यहाँ पर से कोई भी एक वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसका एक URL जो है वो कॉपी कर लेता हूँ। मतलब यहाँ पर से जो भी इसका लिंक है मैं यहाँ पर से इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी लिंक लोकेशन मैंने इसको कॉपी कर लिया, या फिर आप उस वीडियो को चला लीजिए। और जैसे आप उसको चला लेते हैं तो यहाँ पर ये देखिए जो इसका URL है आप यहाँ पर से इसको कॉपी कर लीजिए। और जैसे आप यहाँ पर से इसको कॉपी कर लेते हैं तो मैं आप सभी लोगों को दो वेबसाइट बताऊँगा जिससे आप आसानी से फ्री में GIF इमेज जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहली वेबसाइट जो मैं आपको बताने वाला हूं वो यहां पर देखिए jiffy.com, इसका जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहां पर से क्लिक करके इस पेज में आ जाएंगे। और जैसे आप यहां पर से इस पेज में आ जाते हैं तो यहां पर देखिए आपके पास एक क्रिएट का ऑप्शन होता है, तो आपने क्या करना है इसमें क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए, जैसे आपने क्रिएट में क्लिक करा उसके बाद यहाँ पर आपके पास एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया है, आपने क्या करना है उस लिंक को यहाँ पर पेस्ट कर देना है जो आपने यूट्यूब के वीडियो का कॉपी करा था। तो मैं यहाँ पर से इसको पेस्ट कर देता हूँ, और जैसे ही मैं यहाँ पर से इसको पेस्ट करूँगा तो यहाँ पर ये देखिए पूरा का पूरा जो वीडियो था वो यहाँ पर लोड हो जाएगा। और जैसे यहाँ पर ये लोड हो जाता है पूरा का पूरा वीडियो, उसके बाद यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है कि आपने इसको कब से स्टार्ट करना है, और यहाँ पर से इसका ड्यूरेशन आपने बताना है कि कितने टाइम के लिए आप इसको बनाना चाहते हैं। तो जितना मर्जी आप उतना उसके लिए एनिमेटेड इमेज जो है वो बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर देखिए, अब ये यहाँ पर 00 सेकंड है, मैं क्या करता हूँ इसको, आप चाहें तो यहाँ पर से हेडर जो है इसको भी घुमा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर से क्या करता हूँ 16 सेकंड का मान के चलते हैं। तो मैंने यहाँ पर से 16 सेकंड बना दिया है, बता दिया है इसको कि इस 16 सेकंड से स्टार्ट करना है, और यहाँ पर से ये देखिए 16 सेकंड से लेके आ गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए 3 सेकंड ये यहाँ पर दिखा रहा, तो मैं क्या करता हूँ इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ठीक है, जो हमारा इंट्रो है वो पूरा का पूरा कवर हो जाए। यहाँ पर देखिए हमारा इंट्रो जो है वो इतने में आ रहा है, तो इतनी जो है हमने क्या करेंगे इसमें इतनी एनिमेटेड इमेज जो है वो बनाएंगे। तो यहाँ पर से देखिए, उसके बाद अगर आप यहाँ पर से कोई कैप्शन जो है वो डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर से डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ हाउ टू हिंदी, ठीक है, मैंने यहाँ पर से कैप्शन डाल दिया है, और यहाँ पर ही देखिए आपको कैप्शन जो है वो ऐसा करके लिखा हुआ आ रहा है। तो आप इसको छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, और जहाँ पर आप मर्जी आप यहाँ पर से इसको लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर से इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, और यहाँ पर देखिए आपके पास बहुत सारे स्टाइल होते हैं, आप जो मर्जी स्टाइल यहाँ पर से लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, अगर आप कलर लगाना चाहते हैं इसमें तो कलर भी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर से कलर जो है वो चेंज कर दिया है। अगर आप नीचे को स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है टैग डालने का, तो आप यहाँ पर से टैग डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ हाउ टू हिंदी, ठीक है, और अगर आप यहाँ पर से और टैग डालना चाहते हैं तो आप कॉमा लगा के और भी टैग डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ हाउ टू हिंदी, ठीक है, और एक और कॉमा लगा के हाउ टू। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसमें 3 टैग जो हैं वो डाल दिए हैं। उसके बाद आपको क्या करना होगा, इनके जो टर्म्स एंड सर्विस है उसको आपको क्या करना होगा, एग्री करना होगा। और जैसे आप यहाँ पर से इसको एग्री कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पर से आपको क्या करना होगा, क्रिएट GIF में क्लिक करना होगा। और अगर आप इनकी टर्म्स एंड सर्विस को पढ़ना चाहते हैं तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर से क्रिएट GIF में क्लिक करता हूँ, और जैसे मैं यहाँ पर से क्रिएट GIF में क्लिक करूँगा तो यहाँ पर से ये जो GIF इमेज है, जो मतलब एनिमेटेड इमेज है, वो यहाँ पर से क्रिएट हो रही है। तो जैसे ये इमेज क्रिएट हो जाती है उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप उस इमेज को शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए हमारी एक बढ़िया सी एनिमेटेड इमेज जो है वो क्रिएट हो चुकी है। और उसके बाद यहाँ पर अगर आप नीचे को स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपके पास शेयर का ऑप्शन आ जाता है, एक शेयर का ऑप्शन है जिससे आप यहाँ पर से सोशल नेटवर्क में शेयर कर सकते हैं, जैसे फेसबुक, ट्विटर और भी यहाँ पर सोशल नेटवर्क हैं। अगर आप इनमें शेयर करना चाहते हैं तो आप आसानी से यहाँ से शेयर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए, अगर आप इसको एम्बेड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके पास एम्बेड का भी ऑप्शन है, आप यहाँ पर से एम्बेड भी कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में। और उसके बाद यहाँ पर देखिए एडवांस शेयर का ऑप्शन है, अगर आप यहाँ पर से इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके पास लिंक आ जाता है जिससे आप क्या कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर से अगर फेसबुक में शेयर करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ पर से भी शेयर कर सकते हैं। इसको मैं कॉपी करता हूँ और हम क्या करते हैं यहाँ पर से इसको फेसबुक में शेयर करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए हमारा फेसबुक पेज है, मैंने यहाँ पर से इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो GIF है यहाँ पर ये आ जाएगी। और इससे होगा ये कि मान लीजिए अगर आपके वीडियो में कोई एक अच्छा सा पोर्शन है जो आई कैचिंग है आपके, उसमें वो है, और अगर आपने उसकी GIF इमेज बनाई है और आप उसको सोशल नेटवर्क में शेयर कर रहे हैं तो उससे आपके उसमें क्या होगा, ट्रैफिक आएगा। तो यहाँ पर से देखिए अगर कोई इसको प्ले करता है तो यहाँ पर से जो इमेज है वो चलना शुरू हो जाएगी। और यहाँ पर से आप कोई भी डिस्क्रिप्शन छोटा मोटा लिख सकते हैं कि अगर कोई भी इस वीडियो को ज़्यादा देखना चाहता है तो यहाँ पर से आप अपने यूट्यूब के वीडियो का लिंक डाल सकते हैं।
जिससे होगा ये कि जो भी आपके YouTube के वीडियो के व्यूज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए जो इमेज है ये चल रही है। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपके YouTube के वीडियो का लिंक था आप यहाँ पर से इसको कॉपी कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर से आप क्या कर सकते हैं इसमें पेस्ट कर सकते हैं और इसका टाइटल जो है आप यहाँ पर से टाइटल भी कॉपी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर से टाइटल भी कॉपी कर दिया और यहाँ पर से इसको भी पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए जो पोस्ट है ये पोस्ट हो चुका है, देखिए कितना बढ़िया जो है ये चल रहा है। और यहाँ पर देखिए आपके पास और भी ऑप्शन होते हैं, अगर आप यहाँ पर से इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, आप व्हाट्सएप पर शेयर करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर से आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप इस लिंक को क्लिक करेंगे और यहाँ पर से आप अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो डायरेक्ट यहाँ पर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उस यहाँ पर देखिए जो दूसरी वेबसाइट है जिसके बारे में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ, जो मेरी भी फेवरेट है, वो है gifs.com। इसका जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पर से क्लिक करके इस वेबसाइट में आ सकते हैं। और अगर आप इसको बुकमार्क भी करना चाहते हैं तो आप इसको बुकमार्क कर लीजिए अगर आप फ्रीक्वेंटली GIF इमेज क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे आप इस वेबसाइट में आ जाते हैं तो आपने क्या करना है, जिस भी यूट्यूब के वीडियो का आपने यहाँ पर से एनिमेटेड इमेज क्रिएट करनी है आप वहाँ पर से उसका लिंक जो है वो कॉपी कर लीजिए। और जैसे आप यहाँ पर से लिंक जो है वो कॉपी कर लेते हैं उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ये देखिए आपके पास एक टेक्स्ट बॉक्स है, आप यहाँ पर से इसको पेस्ट कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर से इसको पेस्ट कर देता हूँ और जैसे ही मैं यहाँ पर से इसको पेस्ट करता हूँ तो यहाँ पर ये देखिए लोड कर रहा है, तो जितने भी फ्रेम उस वीडियो में होंगे सारे के सारे यहाँ पर लोड हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए पूरा का पूरा वीडियो जो है ये लोड हो चुका है और उसके बाद यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, अभी मैं बात करता हूँ इसके बारे में थोड़ी देर में। और उसके बाद यहाँ पर देखिए आपके पास एक टाइमलाइन आ जाता है, आप यहाँ पर से टाइमलाइन में डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ पर से आपको एनिमेटेड इमेज जो है वो बनानी है। तो यहाँ पर से देखिए आपको यहाँ पर टाइमलाइन लेके आ रहा है, जैसे मेरे को यहाँ पर से 16 सेकंड से बनाना है तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर से इसमें क्लिक करूँगा, जैसे यहाँ पर से 16 सेकंड आ गया है उसके बाद यहाँ पर देखिए आपके पास एक स्टार्ट टाइम आ रहा है और यहाँ पर से आपके पास एक एंड टाइम आ रहा है। और अगर आप यहाँ पर से चाहते हैं इस हेडर को छोटा बड़ा करना तो यहाँ पर से भी आप क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि कितनी बड़ी इमेज जो है आपको बनानी है। तो यहाँ पर से देखिए 16 से 18 ये लेके आया है, जैसे मैं यहाँ पर से बनाता हूँ इसको 20 तक का बना लेते हैं, ठीक है, 16 से 20 सेकंड तक का, ठीक है। तो यहाँ पर से हम इतनी इमेज बनाएंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे अगर आप डायरेक्ट इसको GIF क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर से कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर देखिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, अगर आप यहाँ पर से कैप्शन ऐड करना चाहते हैं तो कैप्शन ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर से इसमें क्लिक करा तो यहाँ पर देखिए आपके पास कैप्शन जो है ये आ चुका है। अगर आप यहाँ पर से कुछ चेंज करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ठीक है, तो मैंने यहाँ पर से सब्सक्राइब लिख दिया है। और अगर आप यहाँ पर से इसको मूव करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर से इसको मूव भी कर सकते हैं और छोटा बड़ा करना चाहें तो छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर से मैंने इसको बड़ा जो है कर दिया है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ यहाँ पर से सब्सक्राइब यहाँ पर से कॉर्नर पर लेके आते हैं और मैं इसका जो साइज़ है उसको थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ, ठीक है, इतना छोटा कर देता हूँ और यहाँ पर से हम उठा के कॉर्नर पर लेके आते हैं, ठीक है, सब्सक्राइब मैंने कर दिया है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन है, अगर आप यहाँ पर से कोई स्टिकर लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर से इसमें क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए आपके पास बहुत सारे स्टिकर जो है ऑनलाइन मिल जाएंगे आपको। और अगर आपके पास कोई आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में पड़ा है तो आप यहाँ पर से क्या कर सकते हैं, उसको अपलोड भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ क्या करता हूँ, एक कोई भी एक स्टिकर ले लेते हैं यहाँ पर से पोकेमॉन का, ये वाला ले लेते हैं, तो मैंने यहाँ पर से ये ले लिया। और उसके बाद हम क्या करते हैं इसको कहीं पर प्लेस कर देते हैं। यहाँ पर ये देखिए ये एनिमेटेड स्टिकर जो है ये भी एनिमेटेड है, अगर आप इसका साइज छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर से इसको कॉर्नर पर लगा देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर देखिए अगर आप इसको क्रॉप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर से क्रॉप भी कर सकते हैं, और अगर आप यहाँ पर से पैडिंग लगाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपके पास बहुत सारे इफेक्ट हैं, अगर आप यहाँ पर से इनको भी लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। और अगर आप अपनी GIF इमेज में कुछ चीज़ ब्लर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर से ब्लर भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन और भी अवेलेबल हैं, जैसे यहाँ पर देखिए अगर आप इसको वर्टिकल फ्लिप करना चाहते हैं तो फ्लिप भी कर सकते हैं, मतलब ये उल्टा हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर से हॉरिजॉन्टल फ्लिप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये उल्टा हो गया। और भी यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, अगर आप यहाँ पर से फ्रीज करना चाहते हैं तो फ्रीज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखिए कोई एक इफेक्ट जो है उसको लगा लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पर से इन्वर्ट लगाना चाहूँ तो यहाँ पर से देखिए इन्वर्ट हो गया, ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसको ही लगा लेते हैं। तो यहाँ पर से देखिए अगर आप यहाँ पर से इसकी ड्यूरेशन जो है वो भी सेट करना चाहते हैं तो वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए इन्वर्ट का ऑप्शन है, तो यहाँ पर से आप क्या कर सकते हैं इसकी जो ड्यूरेशन है वो सेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर से इसको करता हूँ, ये है इन्वर्ट। और अगर आप यहाँ पर से टाइम लाइन से भी इसको सेट करना चाहते हैं तो टाइम लाइन से भी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो ये चलेगा, अभी देखिए कैसे चलेगा, देखिए शुरुआत में ये रेड आ रहा है और उसके बाद यहाँ पर से क्या हो गया, इन्वर्ट हो गया। तो आप यहाँ पर से इसकी टाइमलाइन से जो भी इफेक्ट आप लगाएंगे उसकी ड्यूरेशन जो है वो भी सेट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर से ये सब खत्म कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर से आप क्या करेंगे, क्रिएट GIF में क्लिक करेंगे। और जैसे आप यहाँ पर से इसमें क्लिक करेंगे तो आपकी जो GIF इमेज है वो क्रिएट हो जाएगी। और अभी मैं जैसे ये क्रिएट हो जाती है उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप इसको शेयर कर सकते हैं।
तो यहाँ पर देखिए जैसे हमने क्रिएट जीआईएफ में क्लिक करा था तो यहाँ पर हमारी जो जीआईएफ है वो क्रिएट हो चुकी है। और उसके बाद ये हमसे पूछ रहा है कि अगर हमें अपनी वेबसाइट में ट्रैफिक लेके आना है जीआईएफ से, तो यहाँ पर ये हमसे ऑप्शन पूछ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, अगर आपकी कोई कस्टम वेबसाइट है तो आप यहाँ पर से उसको डाल सकते हैं, ट्विटर अकाउंट पर डाल सकते हैं, इंस्टाग्राम में डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कस्टम वेबसाइट में जाता हूँ। तो कस्टम वेबसाइट में हम यहाँ पर से गए और उसके बाद यहाँ पर से आपने क्या करना है, अपनी वेबसाइट का यूआरएल जो है उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। जैसे मैं यहाँ पर से क्या करता हूँ, हाउ टू हिंदी का मैं यहाँ पर से लिंक दे देता हूँ। मैंने यहाँ पर से कॉपी किया इसको और उसके बाद यहाँ पर हम गए और यहाँ पर से मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो जैसे मैं यहाँ पर से इसको पेस्ट कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पर ये हमसे टाइटल पूछ रहा है। अगर आप यहाँ पर से कोई भी टाइटल डालना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ हाउ टू हिंदी इंट्रो। मैंने यहाँ पर हाउ टू हिंदी इंट्रो डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर से आपको क्या करना होगा, सेव में क्लिक करना होगा। तो जैसे आप यहाँ पर से सेव में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए जो आपका टाइटल है, अगर आप यहाँ पर से इस टाइटल को दोबारा से एडिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर से एडिट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर से ये YouTube का जो टाइटल था वो उठा के लेके आ गया। तो मैं यहाँ पर से इसका टाइटल जो है वो चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हाउ टू हिंदी ठीक है। तो मैंने यहाँ पर से इसका जो टाइटल है वो चेंज कर दिया। और उसके बाद यहाँ पर देखिए आपके पास और भी ऑप्शन है। अगर आप यहाँ पर से दोबारा से इसमें कोई स्टिकर लगाना चाहते हैं, कोई इफेक्ट ऐड करना चाहते हैं, कैप्शन ऐड करना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पर से आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए अगर आप इसको शेयर करना चाहते हैं सोशल नेटवर्क में, तो आप यहाँ पर से डायरेक्ट शेयर भी कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए अगर आप डायरेक्ट लिंक लेना चाहते हैं इसका, तो यहाँ पर से आप इसको कॉपी कर सकते हैं। अगर आप इसको एम्बेड करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट में, तो यहाँ पर से एम्बेड भी कर सकते हैं ठीक है। और अगर यहाँ पर से आप ऑप्टिमाइज लिंक अगर लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर से इसको भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर से हम क्या करते हैं, इसको मैंने कॉपी करा और यहाँ पर से देखिए कॉपी कर लिया। और उसके बाद हम यहाँ पर जाते हैं अपने फेसबुक पेज में और यहाँ पर से मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। और जैसे मैं यहाँ पर से इसको पेस्ट करता हूँ, ये देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ ठीक है। मैंने यहाँ पर से पेस्ट कर दिया और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर से इस वीडियो का जो टाइटल है उसको लेके आ गए हम यहाँ पर से, कॉपी करा मैंने इसको ठीक है। यहाँ पर गए हम अपने पेज में और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। और उसके बाद यहाँ पर देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर से इसका लिंक जो है यहाँ पर से इसको भी कॉपी कर लेते हैं। जो भी डिस्क्रिप्शन या फिर कॉल टू एक्शन आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर से लिख सकते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर पब्लिश में क्लिक कर देते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर से पब्लिश में क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जो हमारी एनिमेटेड इमेज थी वो यहाँ पर आ जाएगी। ये यहाँ पर देखिए एनिमेटेड इमेज आ गई है, मैंने लोगो भी लगाया था। और उसके बाद यहाँ पर देखिए कोई अगर यहाँ पर से इसमें क्लिक करेगा तो यहाँ पर से ये इस वेबसाइट में जाएगा जहाँ पर हमारी जो GIF इमेज है वो यहाँ पर उसको मिल जाएगी। और यहाँ पर से देखिए कोई भी इसको क्या कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है ठीक है। यहाँ पर से देखिए सेव इमेज एज में क्लिक करेगा तो वो सेव कर सकता है। और यहाँ पर से आपके पास और भी लिंक जो है वो मिल जाते हैं, आप इन लिंक को शेयर कर सकते हैं। जिससे होगा क्या, अगर किसी को ये इमेज अच्छी लग गई, कोई एक ऐसा इसमें कैची पार्ट आपने अपने वीडियो का डाल रखा है, जिससे क्या होगा वो क्या करेगा, अगर उसको वो पूरा का पूरा वीडियो देखना होगा तो वो यहाँ पर से इस लिंक में क्लिक करेगा, जिससे आपके यूट्यूब के वीडियो के व्यूज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ऐसे करके आप आसानी से अपने यूट्यूब के वीडियोज़ के लिए GIF इमेज या फिर एनिमेटेड इमेज क्रिएट कर सकते हैं और अपने यूट्यूब के वीडियोज़ के व्यूज़ जो हैं वो बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यहाँ पर लाइक बटन में क्लिक करके इसको जरूर लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपके कोई सवाल या फिर सुझाव हैं तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं या फिर बता सकते हैं। और ऐसे ही कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, वेब और टेक्नोलॉजी से संबंधित लेटेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स हिंदी में और बिल्कुल फ्री में सीखने के लिए आप हमारा हाउ टू हिंदी यूट्यूब चैनल अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने अभी तक का हमारा हाउ टू हिंदी का फेसबुक पेज लाइक नहीं किया है तो यहाँ पर से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप आएंगे तो यहाँ पर से हमारे फेसबुक पेज का लिंक आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पर से क्लिक करके हमारे फेसबुक पेज में आ जाइए और यहाँ पर से इसको लाइक कर लीजिए, इसको लाइक कर लीजिए और यहाँ पर से आप इसको सी फर्स्ट कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। उससे होगा ये कि जितने भी हम पोस्ट डालते हैं हाउ टू हिंदी में सारे के सारे आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। देखते रहिए, सीखते रहिए हाउ टू हिंदी।